किसान प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन बुधवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया, जिसका उद्घाटन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री राम चौहान ने किया। इस कार्यशाला में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के किसानों ने भागीदारी की और वानिकी कृषि बारीकियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उद्यान मंत्री ने मंडल के 15 प्रगतिशील किसानों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में मंत्री श्री राम चौहान ने किसानों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया और किसानों को योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाने की बात कही। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञ और हैफेड की टीम ने किसानों को तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी, जिससे किसान केला, आम, अमरूद, स्ट्रॉबेरी आदि फसलों की खेती कर लाभ प्राप्त कर सके। श्री राम चौहान ने अपने संबोधन में सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर खुद को अपग्रेड और फसलों की सही पैदावार कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में उद्यान विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं पीएसडी चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के एडवाइजर मुकेश सिंह समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री राम चौहान ने कहा, और हमारे मध्य हमारे अति सम्मानित अतिथि श्री गुरुपुर के वरिष्ठ के माध्यम से करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी को, प्रबंध निदेशक स्वागत, कृपया कुछ के माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। कुछ के माध्यम से हमारे आपके कार्यक्रम के गोबर का प्रयोग करें। चौथी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सारे लोग रोजगार के लिए तो उठाकर अगर आप बाजार की व्यवस्था देते हैं तो मशरूम को उठाकर हमारे सारे किसान जिनके पास पर्याप्त समय है वो भी अपने घर में उगा करके और एक नया रोजगार निकाल सकते हैं। अगर किसान खुशहाल नहीं तो देश खुशहाल नहीं होगा। पूर्वांचल में औद्यानिक फसलें, बागवानी की फसलें प्रोत्साहित हों। जो लोग कर रहे हैं औने पौने दाम पर व्यापारी न बेचे, उनको उचित दाम मिले, अच्छा लाभ मिले, इस दिशा में ये फल सब्जी पुष्प विक्रेता से जो उत्पादन जितने हैं उत्पादक किसान उनका एक सम्मेलन है और इनसे जुड़े हुए जो तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितना खाद डालें, कितना बीज डालें, उत्पादन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी यहां पर होगी और इससे जो है उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होगी, लागत कम होंगे और उत्पादन ज़्यादा होंगे और इसी दिशा में जो कार्यशाला दिन भर की यहाँ पर आयोजित है। हम लोग तो भाव 350 के पार जाना चाहते हैं, हम 400 के पार जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कोरोना काल में सेवाएं नहीं किया, जनता के बीच में गए नहीं, लोगों के संघर्षों में भागीदार नहीं बने, जो विपक्ष की सार्थक सबल भूमिका होती है उसका ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं किए, तो ये कपोल कल्पित कल्पना ही लगती है। इसलिए जो है जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि हम पुराने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेंगे और ये रिकॉर्ड 350 से ऊपर ले जाएंगे, इस दिशा में प्रयास प्रयत्न जारी है।